हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एंड क्रिटिकल जर्नी। हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड देन रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ भी कर लिया था हमने। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोबिलिटी। जिसने भी उसके बारे में नहीं पढ़ा था, जो लास्ट अभी दो वीडियो तो आप देख लें, ठीक है। आगे हम धीरे धीरे चलते रहेंगे और जो भी डाउट हो आपको आप क्लियर कर लें, ठीक है। तो मोबिलिटी, तो मैंने जब बताया था कि चार्ज ट्रांसफर होता है, तो चार्ज को जो ट्रांसफर करता है उसको बोलते थे चार्ज कैरियर, ठीक है। तो मोबिलिटी होती है गतिशीलता, हिंदी बोलते हैं गतिशीलता। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कैरियर होते हैं, जैसे मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, ये बताया था मैंने। गैसेस में भी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में होल इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, तो वो चार्ज कैरियर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की तो वो चार्ज कैरियर के पास खुद की क्या मिल जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो वो गतिशील हो जाते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो वही चीज कहलाती है मोबिलिटी। जैसे हम हमारे अभी हाथ पैर अच्छी तरह चलते नहीं है, हम जिम वगैरह करके एक्सरसाइज करके अपने हाथों को गतिशील बनाएं, मोबिल बनाएं, ठीक है। वैसे वो भी बेसिक एग्जाम्पल है। तो मोबिलिटी क्या चीज हुई, इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by charge carrier in unit electric field, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चार्ज करियर के लिए अलग अलग होती है, जैसे न्यू इसको डिनोट किया जाता है, इट इज यूनिटेड बाई यूनिट का फॉर्मूला क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी अपॉन ई, ठीक है। बी डी क्या निकलता है हमारा, ई तो वाई एम ई तो है, ठीक है। तो ई सी कैंसिल, तो म्यू क्या आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो ये मोबिलिटी आ गई हमारी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी वी डी, क्या होती है मीटर पर सेकेंड, इसकी क्या होती है ई की, ये भी पढ़ी है हमने, एफ इज इक्वल टू क्या पढ़ाया है, क्या हो गई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ओ, क्या हो इससे ले लो, या वो क्या पढ़ा था ई इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगी वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये मीटर है। तो क्या हो जाएगी इसकी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी टी का क्या होता है एम जीरो एल ई माइनस वन, ठीक है। ई का क्या होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो क्या हो जाएगा एम एल ई माइनस टू अपॉन चार्ज, चार्ज क्या होता है ए टी, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा एम माइनस वन एल से एल कैंसिल टी से टी कैंसिल टी माइनस टू, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा,
तो ये सिंपल टॉपिक था मोबिलिटी के बारे में। सो ठीक है, लाइफ में से बहुत बार पूछी जाती है मोबिलिटी के बारे में, उसका यूनिट ऑफ टाइम से बोलते हैं, ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, बता दिया कोई भी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी तो कौन सा चार्ज कैरियर कितनी वेलोसिटी से मूव करता है, तो वो जो क्वांटिटी जो मेजर होती है वो होती है मोबिलिटी। अब मान लो वो पूछ रहे रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट, रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, तो क्या पढ़ाया हमने, आई इज इक्वल टू एन ई के वी टी। ठीक है, तो यहाँ से वी टी क्या हो जाएगी, म्यू ई। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन ई के वी, तो ये रिलेशन आ जाता है करंट और मोबिलिटी के बीच में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, इसमें अगर वी टी की वैल्यू पूछते हैं तो क्या हो जाता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए अपॉन एम। ठीक है, ई से क्या बन जाएगा, ये ई स्क्वायर, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोबिलिटी के बारे में सिंपल। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, इस पर दो नंबर का न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दो तरह का आएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि डिफरेंट कलर्स दे दी जाएंगे हमने, ठीक है, तो वो फाइंड करेंगे इसका रेजिस्टेंस क्या कितना होगा, या वैल्यू दे दी जाएगी और उसमें बताना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से कलर है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल एक लाइन याद आपको रखनी है, लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बी बी ओ ए, ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ वियर इन गोल्ड सिल्वर। तो ये डिफरेंट कलर को जो एक लाइन है, ठीक है, इसमें सारे कलर हमने वो ऐड कर दिए। ठीक, तो जैसे फर्स्ट लेटर बी, इसको लिखेंगे आप बी, इसका पूरा ये, तो बी बी रोए ग्रेट ऑफ फॉर एन अदर ग्रेट का जी, ग्रेट ब्रिटेन का बी, एवर बी वेरी का बी, गुड का जी वेरी गुड, वाइफ का डब्ल्यू, वीयर इसको नेगलेक्ट करेंगे, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो ये गोल्ड सिल्वर और नेकलेस के लिए। ठीक, कौन कौन से कलर होंगे, बी का मतलब होता है ब्राउन, बी का ब्लैक, रेड, ओ का ऑरेंज, वाई का येलो, जी जी का ग्रीन, बी का ब्लू, वी का वायलेट, जी का ग्रे, डब्ल्यू का वाइट। ठीक, नंबर इसके लिए जीरो मल्टीप्लाई यानी टेन की पावर जीरो और जीरो मल्टीप्लाई वन, टेन की पावर वन, टू, टेन की पावर टू, ऐसे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, थ्री टेन की पावर फोर, टेन की पावर फाइव सिक्स, टेन की पावर सेवन, टेन की पावर एट, टेन की पावर नाइन, तीन ये बच गई। इसका मतलब क्या है, गोल्ड जी का कलर कौन सा है, गोल्ड सिल्वर जी एस ओ एन, नो कलर, कोई कलर नहीं, इसकी टॉलरेंस लिखनी है हमें, इसकी है फाइव
10 और 12, ठीक है। तो ये सिंपल टेबल हो गया। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह से है, तो बताता हूँ क्या रूल देखने होंगे आपको। फर्स्ट पहले क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन के बाद बताओ। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आएगा मानो डबल टू इंटू टेन पावर फाइव प्लस माइनस 20%, ठीक है। तो इसके लिए बताना है हमें, तो इसके लिए क्या देखना होगा, जो फर्स्ट टू है, फर्स्ट टू के लिए कलर देखने हमें, ठीक है, इसके नंबर के साथ टू 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 किसके साथ है, रेड। तो फर्स्ट टू के तो सिंपल हमने नंबर यूज करना है उसका। सेकंड थर्ड के लिए मल्टीप्लायर, और फिर जो लास्ट में बताता है प्लस माइनस जो टॉलरेंस होगी उसके लिए जो कलर रहेगा। तो ये सिंपल थी तीन स्टेप। तो फर्स्ट के लिए उसका नंबर देखना है पहले, तो टू टू कौन सा कलर हो गया, रेड। तो टू टू के लिए रेड रेड। टेन और फाइव किसका मल्टीप्लायर, किसका मल्टीप्लायर है, टेन और फाइव ग्रीन का, तो ग्रीन। और फोर्थ टॉलरेंस यानी नो कलर, ये हो जाता है। और अगर क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, मान लो ये रजिस्टर बना दिया जाए, ये दे दिया ऑरेंज रेड वायलेट गोल्ड, तो क्या देखेंगे, ऑरेंज और रेड का तो नंबर, ऑरेंज क्या है थ्री रेड टू, यानी क्या हो जाएगा इसका, ऑरेंज और रेड का नंबर है थ्री टू 32। वायलेट का मल्टीप्लायर टेन फॉर सिक्स, गोल्ड का टॉलरेंस प्लस माइनस 5%। तो ये आंसर होगा। तो दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको दोनों आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल था ही, नंबर मल्टीप्लाई या कोई ध्यान, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये हमने ग्रुपिंग ऑफ का क्वेश्चन हमने किया था, क्या किया था उसमें, एक सीरीज में और एक पैरेलल में, ठीक है, वो करके देखा था हमने। अब हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। जो एंड टू एंड कनेक्शन ऐसे होंगे वो थी सीरीज, और टू पॉजिटिव का पॉजिटिव से नेगेटिव का नेगेटिव के साथ ऐसे पैरेलल में, जो वर्टिकल होता है उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, फर्स्ट सीरीज और पैरेलल, तो सीरीज कॉम्बिनेशन सेकंड पैरेलल, ओके। सीरीज में क्या होगी, एंड टू एंड कनेक्शन होगा, जैसे एक रजिस्टर सेकंड और थर्ड, ठीक है, इनको कनेक्ट किया एक वोल्टेज या बैटरी से, इस तरह से, ठीक, वी वोल्टेज, ये मान लिया आर वन, ये आर टू और ये आर थ्री। तो इस सेल से जो भी सेल में बैटरी कुछ लगा लो पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल लगा लीजिए,
इससे जो भी चार्जेस निकलेंगे करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, तो जो करंट फ्लो होगा वो आर वन से भी सेम होगा, आर टू से भी सेम होगा और आर थ्री से सेम होगा, ठीक। और वो यहाँ पे कैसे सेम होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। जितने चार्ज यहाँ से पास होंगे वही सेम इनसे पास होंगे, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, करंट इज सेम थ्रू आउट एवरी मेश, जो वोल्टेज होगी, अब करंट सेम हो गया तो वोल्टेज क्या होगी, डिफरेंट, ठीक। वोल्टेज या पोटेंशियल लिखेंगे हम, पोटेंशियल इज डिफरेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस, ओके आपने क्या पढ़ाया, वी इज इक्वल टू आई आर। तो सीरीज कंबिनेशन है उसको लिख लेंगे हम आर एस से, आर एस को लिख दिया कंबिनेशन ऑफ आर वन आर टू एंड आर थ्री। तो इसे वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई I तो सभी में सेम बताया मैंने सभी रजिस्टर में, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट, आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस, तो क्या पता चला हमें, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। लिख सकते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें क्या बताया था, करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट। अब है पैरेलल कंबिनेशन, तो बताया था पैरेलल का क्या होगा, ऐसा करंट फ्लो होगा तो करंट इस ब्रांच से अलग जाएगा, इससे अलग, इससे अलग, ठीक है। आर वन आर टू एंड आर थ्री। तो फर्स्ट क्या होगी, क्या चीज सेम होगी इसमें, वोल्टेज। तो वोल्टेज सेम पोटेंशियल जाएगा तीनों में से, ठीक है। सेकेंड करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड या डिफरेंट, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, डिफरेंट होगा ना, तो करंट क्या हो जाएगा आई, पहले डिफरेंट लिखना फिर डिस्ट्रीब्यूट, आई वन प्लस आई टू प्लस आई, क्या है बी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन आर, जो सभी का कंबिनेशन है उसको डिवाइड कर लो आर पी सी, ठीक है। इसमें आर पी सी पैरेलल, पी का मतलब पैरेलल, ठीक है। तो इसी वैल्यू पुट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा वी अपॉन आई की जगह वी अपॉन आर पी वी अपॉन आर वन प्लस बी अपॉन आर टू प्लस बी अपॉन आर
वोल्टेज सभी में सेम है तो क्या हो जाएगा आर पी टू आर वन प्लस आर टू अपॉन आर। इसका जनरेटेड कैपेसिटेंस वो क्या होगा इसके एडिशन से कमी होगा ठीक है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस क्या है रेजिस्टेंस की बात रेजिस्टेंस इज लेस देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू करके देख लेते हो वन अगर तीनों हो हमारे पास वन टू और थ्री तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगा सिक्स सिंपल हम ऐड कर देंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन वन बाय वन वन बाय टू वन बाय टू इसको सोल्व करेंगे ठीक है। सिक्स सिक्स थ्री टू हमें ग्यारह अपॉन सिक्स यानी सिक्स अपॉन ग्यारह या ऐसा सिक्स अपॉन ग्यारह वन से छोटा है टू से भी थ्री से भी और ये सिक्स इनसे बड़ा है तो ये लिखा है मैंने रेजिस्टेंस ऑफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा कम होगा और उसमें सीरीज में ज्यादा होगा। हमने जब कैपेसिटेंस किया था कैपेसिटेंस इससे अपोजिट था ठीक है उसमें जो सी पी आया था वो आया था सी वन सी पी आया था सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री और रेजिस्टेंस जो सीरीज में जो उसके पैरेलल में आया था ठीक है इसका जो पैरेलल है वो उसका सीरीज था ठीक है। तो आपको ये इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको क्लियर होना चाहिए कि कैपेसिटेंस क्या था और रेजिस्टेंस क्या है ओके।